एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ पवन कुमार। अभी उपस्थित जो किया है मेरा पोड़िया हाट में बाजार में, यहां देखिए किस प्रकार से इंजीनियरिंग कॉलेज का जो कि आज जो कि उद्घाटन होने वाला है, कह सकते हैं कि आज से जो कि पढ़ाई शुरू होने वाला है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता किस प्रकार यहाँ पहुंचे हुए हैं पोड़िया हाट चौक में, और यहाँ पर जो कि पड़ाका फोड़ कर जो कि प्रजा का स्वागत करने वाले हैं। कुछ लोगों से भी जानते हैं कि आखिर किस प्रकार से फरीद यादव जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगाया जा रहा है, हेमंत सोरेन जिंदाबाद का नारा लगाया जा रहा है। सभी लोग अभी आप लोग पहुंचे हुए हैं, क्या कहिएगा किस चीज को लेकर? बिल्कुल, अभी हम लोग का पोड़िया हाट चतरा में इंजीनियरिंग कॉलेज बन के तैयार है। हम लोग जान सकते हैं कि वो बहुत जल्द पढ़ाई शुरू होने वाला है। उसमें कैबिनेट ने पारित कर दिया कि पढ़ाई शुरू होगी वहाँ पर, और उसी के लिए हम लोग यहाँ पर आज पटाखा फोड़ कर उसका खुशी इजहार कर रहे हैं। मतलब कि आज से पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा कि आज के बाद? आज के बाद पढ़ाई शुरू हो जाएगी। मतलब कैबिनेट पास हो गया, पढ़ाई चालू हो जाएगी। बिल्कुल, अपना परिचय बता दीजिए। बोलबम कुमार, जिला उपाध्यक्ष यूथ कांग्रेस। और कई कांग्रेस के कार्यकर्ता है, उनसे भी मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं यहाँ पर। क्या चीज़? इंजीनियरिंग कॉलेज का जो हम लोग का वर्षों से मांग था, उसका मांग पूरा हो गया। उस खुशी पर इंजीनियरिंग कॉलेज अब चालू होगा पढ़ाई। बच्चों का जो भविष्य मतलब ये था अंधकार में, यहाँ से जो बाहर से पढ़ने के लिए जाते थे बच्चा, उनका आज चालू हो गया हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज। उसी की खुशी में, हाँ उसी खुशी में हम लोग आज पड़का फुट रहे हैं। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए हम लोग झारखंड सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं, हेमंत सरकार को। इन्होंने हम लोगों का मांग को पूरा करने का प्रयास किया, पूरा कर दिया, और हमारा विधायक उस पर लगा रहा और शुरू से लगा रहा, और वह अभी हम लोगों का वह पूरा हुआ मांग। इसके लिए झारखंड सरकार को, हेमंत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, गठबंधन सरकार को और माननीय विधायक प्रदीप यादव को बहुत धन्यवाद देते हैं। सर क्या कहिएगा आज से जो की है पढ़ाई अब स्टार्ट होने वाला? देखिए, अभी सरकार ने अपने हाथ में निर्णय लिया कि हम इसका संचालन करेंगे। एक ऑप्शन ये भी सरकार के अंदर चल रहा था कि किसी एजेंसी को दें, किसी आउटसोर्स कंपनी को दें, लेकिन मैं साधुवाद देता हूं आदरणीय हेमंत जी को, पूरी सरकार को, गठबंधन की सरकार को, कि सरकार ने स्वयं फैसला लिया इस कॉलेज को चलाने का। और अब ये दूसरा स्टेप होगा कि यहां फैकल्टीज की बहाली होगी जो बच्चों को पढ़ाएंगे। फिर हमें लगता है कि मार्च में जो नेक्स्ट सेशन हमारा प्रारंभ होगा, आने वाले सेशन, हमें काफ़ी उम्मीद है कि उस सेशन में यहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई प्रारंभ होगी, बच्चों का दाखिला होगा, छात्र छात्राओं का दाखिला हो पाएगा। ये एक उच्च लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, बिल्डिंग काफी लग नहीं रहा है कि पोड़िया हाट जैसे क्षेत्र में इतनी। क्या कहिएगा आज जो कि आप लोग खुशी मना रहे हैं? ये सबसे बड़ी बात है कि देखिए पोड़िया हाट जैसा छोटे जगह पे इंजीनियरिंग कॉलेज, इतना बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज, ये पूरे झारखंड के लिए, मतलब कि समझिए कि पूरे झारखंड के इतिहास में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या बढ़ गई। ये सबसे बड़ी खासियत है। इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए लोग दूर दूर जाना पड़ता था, और आज पोड़िया हाट बगल चतरा में हमारा बच्चा और इस क्षेत्र का बच्चा जाएगा, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि सरैया हाट में जो डिग्री कॉलेज हुआ, आज डिग्री लेना बहुत सरैया हाट के लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता था, दुमका कॉलेज जाना पड़ता था, गोड्डा कॉलेज का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन आज अपने ही बगल सरैया हाट में जाकर डिग्री कॉलेज आज डिग्री प्राप्त करेंगे, तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। और आईटीआई कॉलेज जो पोड़िया हाट में है, उसकी भी शुरुआत की बात प्रदीप जी ने कहा है कि आने वाले सेशन में उसकी भी पढ़ाई, वहाँ भी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। जिंदाबाद।